मानवीय आज जो हमने चैप्टर शुरू करना है वो है आपके पास चैप्टर नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू एंड एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। जो पूरा प्रोसेस चैप्टर में दिया हुआ है वो एससीक्यू आ सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है। इसमें बताया हुआ है कि जब भी आपके पास एक नर्व फाइबर है, ठीक है, जब वो मसल फाइबर को इनर्वेट, जिस मसल फाइबर को वो इनर्वेट करती है उसके साथ जो जंक्शन बनाती है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। न्यूरो नर्व, मस्कुलर मसल के साथ और जंक्शन। ठीक है, अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, आप मर्जी, आप कोई भी इधर जो भी डेफिनेशन दी हुई है इनमें से कोई भी याद कर लो। अच्छा, विद द एक्सेप्शन ऑफ अबाउट 2% ऑफ द मसल फाइबर्स देर इज ओनली वन सच जंक्शन पर मसल फाइबर। ये आपको जो 2% है इसका पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है फिगर 7-1 जो है उसमें क्या दिया हुआ है। फिगर 7-1 में ये है कि आप इमेजिन करो ये एक नर्व फाइबर है, ठीक है, और ये आपके पास मसल फाइबर है। इन दोनों के बीच में जो स्पेस आ रही है, ठीक है, इसको आप कहते हो सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये जो गटर बना हुआ है मसल के ऊपर, ठीक है, इसको आप कहते हो सिनेप्टिक गटर या सिनेप्टिक ट्रो। इसके अलावा जो है इधर छोटे छोटे और क्लेफ्ट्स होते हैं, इनको आप कहते हैं सब न्यूरल क्लेफ्ट्स। ठीक हो गया, तीन चीज़ें दी हुई हैं। द इन्विजिनेटेड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिनेप्टिक गटर और सिनेप्टिक ट्रो। ठीक हो गया, ये आपके सिनेप्टिक गटर और सिनेप्टिक ट्रो हो गया। उसके बाद ये जो आपका स्पेस है इसको आप सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहोगे, और ये सब न्यूरल क्लेफ्ट हैं। ठीक है, और सब न्यूरल क्लेफ्ट का फंक्शन क्या है वो भी इधर दिया हुआ है। दे ग्रेटली इंक्रीज द सर्फेस एरिया एट विच द सिनेप्टिक ट्रांसमीटर कैन एक्ट। ठीक है, जहाँ पे एसिटाइलकोलाइन एक्ट करते हैं उसका सर्फेस एरिया ये इंक्रीज कर देते हैं सब न्यूरल क्लेफ्ट्स। उसके बाद आपके पास दी हुई है कि आपके पास जो है एक्सॉन टर्मिनल, उसमें बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए होते हैं वो एटीपी फॉर्म करते हैं, और ये एटीपी जो है यही एनर्जी प्रोवाइड करती है एसिटाइलकोलाइन की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और एसिटाइलकोलाइन जो है वो आगे जाके सिनेप्टिक वेसिकल्स जो है उसमें बंद हो जाता है नर्व के टर्मिनल में। ठीक है, उसके बाद आपके पास एंजाइम दिया हुआ है एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज। एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज का फंक्शन क्या है, ये एसिटाइलकोलाइन जो है जब मसल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, ठीक है, तो आपके पास जो एसिटाइलकोलाइन रह जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके पास ये एंजाइम होता है एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज। अच्छा, उसके बाद आपके पास है सिक्रीशन ऑफ एसिटाइलकोलाइन बाय नर्व टर्मिनल्स। सिक्रीशन एसिटाइलकोलाइन की कैसे होती है, एक तो आपके पास यहाँ पे जो 125 वेसिकल्स का लिखा हुआ है ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए कि व्हेन अ नर्व इंपल्स रीचेस द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तो एसिटाइलकोलाइन के कितने वेसिकल्स रिलीज होते हैं, वो है 125 वेसिकल्स एसिटाइलकोलाइन के रिलीज होते हैं इनटू द सिनेप्टिक स्पेस। उसके बाद आपको बताया हुआ है कि ये आप इमेजिन करो आपके पास एक न्यूरॉन का एंड है, ठीक है, एक्सॉन है। अब उन्होंने बताया इस एक्सॉन में जो है आपके पास डेंस बार पड़े होते हैं, ठीक है, और इन डेंस बार के साथ जो होता है ना आपके पास वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं। सही हो गया, अब जब भी आपके पास एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड करता है इस टर्मिनल के ऊपर, ठीक है, तो आपके पास ये जो कैल्शियम के जो चैनल्स है वोल्टेड गेटेड कैल्शियम चैनल जो डेंस बार के साइडों पे पड़े हैं ये ओपन हो जाते हैं और इधर से जो कैल्शियम है ये अंदर आ जाता है। ठीक है, सिनेप्टिक स्पेस में कैल्शियम होता है वो अंदर आ जाता है नर्व टर्मिनल के अंदर, ठीक है, और जब कैल्शियम नर्व टर्मिनल के अंदर आता है, ठीक है, तो वो एक्टिवेट कर देता है एक एंजाइम को कैल्शियम कलमोजुलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। और वो कैल्शियम कलमोजुलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज जो है वो जो है साइनेप्सिन एक प्रोटीन होती है उसकी फॉस्फोराइलेशन करवा देती है। जब साइनेप्सिन की फॉस्फोराइलेशन हो जाती है तो साइनेप्सिन जो होती है वो कॉज करती है एसिटाइलकोलाइन के वेसिकल्स को कि वो जो है प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे जाके बाइंड करें। ठीक हो गया, सॉरी, प्री सिनेप्टिक जो है क्या कहते हैं टर्मिनल उस पे जाके बाइंड करें। एक दफा हम दोबारा कर लेते हैं, आप इमेजिन करो ये आपके पास एक नर्व है, ठीक है, उसका एक्सोनल टर्मिनल है ये, इधर जो है आपके पास डेंस बार होते हैं, ठीक है, और इन डेंस बार्स की साइड पे जो होते हैं आपके पास इस तरह अंदर की तरफ पेनिट्रेट करते हुए होते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। जब नर्व की एक्साइटमेंट होती है और आपके पास जो है डीपोलराइजेशन जो है यहाँ तक आती है, ठीक है, एंड पे आती है, तो आपके पास जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल हैं ये वाले जो डेंस बार के साइड्स पे हैं ये ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम जो है बाहर से ज़्यादा सी वो अंदर रश करती है। ठीक है, जब ये कैल्शियम अंदर रश करती है तो ये एक्टिवेट करवा देती है कैल्शियम कलमोजुलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को। ठीक है, और ये जो कैल्शियम कलमोजुलिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है ये आगे साइनेप्सिन एक प्रोटीन होती है उसकी आपके पास फॉस्फोराइलेशन करवा देती है। ठीक है, जहाँ पे भी काइनेज का वर्ड यूज हो रहा है उसका ये मतलब है कि ये एंजाइम जो है फॉस्फोराइलेशन करवाता है।
इस केस में ये सैनेप्सिन की फॉस्फोराइलेशन करवा देती है, और जब सैनेप्सिन की फॉस्फोराइलेशन होती है फिर ये सैनेप्सिन जो है ये एसिटाइलकोलिन के जो आपके पास वेसिकल्स थे उनको कहती है कि आप जाके प्री सैनेप्टिक टर्मिनल जो है, ये नर्व का प्री सैनेप्टिक टर्मिनल जो है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास मसल है और ये सैनेप्टिक जो आपके पास स्पेस है, अच्छा इधर जाके ना आप प्री सैनेप्टिक टर्मिनल पे बाइंड कर दो, ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन के जो आपके पास वेसिकल्स हैं वो इधर आके बाइंड हो जाते हैं, और फिर एज अ रिजल्ट जो है आपके पास जो वेसिकल्स हैं एसिटाइलकोलिन के वो एसिटाइलकोलिन को रिलीज कर सकते हैं, ठीक है, और एसिटाइलकोलिन जो है वो आपके पास सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाए या सिनेप्टिक स्पेस में जो है वो रिलीज हो जाती है। और आपके पास दिया हुआ एसिटाइलकोलिन ओपन्स आयन चैनल्स ऑन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे आपके पास जो इम्पोर्टेंट है जो आपको चीज पता होना चाहिए वो आपके पास यही है कि जब आपके पास अब ये सिनेप्टिक स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है, सिनेप्टिक स्पेस जो भी है, इधर आपके पास एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया, ठीक है, एसिटाइलकोलिन जो है वो मसल के ऊपर जो एसिटाइलकोलिन गेटेड आयन चैनल्स जो हैं उधर जाके बाइंड कर देता है, ठीक है, और जब वो एसिटाइलकोलिन इधर आके बाइंड करता है एसिटाइलकोलिन गेटेड आयन चैनल्स के साथ तो इनकी ओपनिंग हो जाती है, जब ये ओपन होते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो है सोडियम आयन्स थे वो सोडियम आयन्स जो है अंदर की तरफ रश कर जाते हैं, ठीक है, इधर आपके पास यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। उसके बाद आपके पास बताया हुआ है एमसीयू बनता है कि आपके पास फीटल एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो 5 सब यूनिट्स प्रोटीन का बना होता है, 2 अल्फा प्रोटीन होती है उसमें, 1 बीटा होती है, 1 डेल्टा होती है और 1 गैमा होती है, ठीक है, मगर जो एडल्ट फॉर्म है, ठीक है, उसमें गैमा प्रोटीन जो होती है उसकी जगह एप्सिलॉन आ जाती है, ये एमसीक्यू बनता है कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जो है एडल्ट में उसमें और फीटल्स में क्या फर्क है, उसमें ये है कि जो आपके पास एडल्ट है उसमें जो होती है एप्सिलॉन आ जाती है गैमा प्रोटीन की जगह, यहाँ पे आपके पास ये एमसीक्यू बनता है, ये आपको यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद आपके पास एसिटाइलकोलिन गेटेड चैनल जो है उसका डायमीटर दिया हुआ है 0.65 नैनोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक एमसीक्यू यहाँ पे भी बनता है, पैच क्लैंप स्टडीज हैव शोन दैट वन ऑफ दीज चैनल्स, जो एक आपके पास एसिटाइलकोलिन गेटेड आयन चैनल है जब वो ओपन होता है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन की वजह से तो कितने सोडियम को ट्रांसमिट कर सकता है 1 मिली सेकेंड में, वो है 15,000 to 30,000 सोडियम आयन्स, ठीक है, इनको वो 1 मिली सेकेंड में एक एसिटाइलकोलिन चैनल ट्रांसमिट कर सकता है, ये हो गया आपके पास। उसके बाद आपको बताया हुआ कि नेगेटिव आयन्स जो होते हैं क्लोरीन आयन्स वो पास नहीं करते, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो आपके पास डायग्राम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर 7.1 और फिगर 7-2 जो है दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट व्यूज दिए हुए हैं मोटर एंड प्लेट के, मोटर एंड प्लेट में आपको बता चुकी हूँ ये वही टर्म है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, और जो आपको बताया हुआ था सिनेप्टिक क्लेफ्ट का और क्या कहते हैं सिनेप्टिक गटर सब न्यूरल क्लेफ्ट जो है ये आपके पास जो है ये आपको डायग्राम आनी चाहिए, ठीक है, और ऑस्पीम अक्सर ये होता है कि तस्वीर लगा देते हैं और आपके जो है ना ये वाली जो सब न्यूरल क्लेफ्ट है इसको हाइड कर देते हैं, इसके ऊपर स्टिकर लगा होता है तो आपने बताना होता है कि ये क्या चीज़ है, ठीक हो गया, इस तरह आपके पास आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकती हैं डायग्राम्स, ठीक है, ये दो डायग्राम्स आपको आने चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फिगर 7-3B, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है द प्रिंसिपल इफेक्ट ऑफ ओपनिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन गेटेड चैनल इज टू अलाउ लार्ज नंबर ऑफ सोडियम आयन्स टू पोर इनसाइड द फाइबर कैरिंग विद देम लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। मैं आपको बता चुकी हूँ जब भी एसिटाइलकोलिन जो है वो चैनल ओपन होता है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग की वजह से तो वो ओपन होने की वजह से ज्यादा से सोडियम अंदर आते हैं, और जब वो ज्यादा से सोडियम अंदर आते हैं मसल फाइबर के, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे वो मसल फाइबर के अंदर आए हैं वहां पे वो पॉजिटिविटी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, और ये जो पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाती है एक पॉइंट पे मसल फाइबर के, ठीक है, बाकी जो मसल फाइबर है वहां पे इंक्रीज नहीं होती, एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इंक्रीज होगी एसिटाइलकोलिन चैनल्स की वजह से सोडियम अंदर आया तो ये जो पोटेंशियल आपके पास क्रिएट होता है, ठीक है, लोकल पॉजिटिव पोटेंशियल चेंज इनसाइड द मसल फाइबर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल आपके पास क्रिएट हुआ है, ठीक है, फाइबर के मेम्ब्रेन में एक पॉइंट पे, इसको आप कहते हो एंड प्लेट पोटेंशियल। इसको आप लोकल क्यों कह रहे हो, क्योंकि ये पूरे फाइबर में नहीं हुआ, ये जहाँ पे एसिटाइलकोलिन का गेट खुला है वहां पे क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो आप इसको कहते हो एंड प्लेट पोटेंशियल और ये लोकल पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास क्या है दिया हुआ है कि ये जो आपके पास एक्शन एंड प्लेट पोटेंशियल है, ठीक है, ये इनिशिएट करता है एक्शन पोटेंशियल को, ये लाइन आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया।
उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिलीज्ड एसिटाइलकोलाइन बाय एसिटाइलकोलाइन एस्टरेस, ये तो लाइन इंपॉर्टेंट है ना, आपको मैं बता चुकी हूँ कि एसिटाइलकोलाइन जो है जब सिनेप्टिक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है, ठीक है, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो एसिटाइलकोलाइन रह गई है वो दो तरह से उसको आपने खत्म करना है, एक एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज जो होता है वो एंजाइम होता है वो इसको डिस्ट्रॉय करता है, और दूसरा जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट से एसिटाइलकोलाइन जो है साइड्स पे निकल जाती है, ठीक है, दूसरा ये मेथड है, एक एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज और दूसरा जो है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिटाइलकोलाइन डिफ्यूजेज आउट ऑफ द सिनेप्टिक स्पेस, ये दो मेथड आपको दिए हुए हैं। और इसके बाद आपको बताया हुआ कि एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, ऑब्वियसली फंक्शन ये एसिटाइलकोलाइन को डिस्ट्रॉय करती है, मगर क्यों डिस्ट्रॉय करती है, उधर एसिटाइलकोलाइन रह क्यों नहीं सकता सिनेप्टिक स्पेस में, वो इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि वो रीएक्साइटेशन करवा देगा मसल का, ठीक है, तो उस मसल की रीएक्साइटेशन को खत्म करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, मसल की रीएक्साइटेशन को प्रिवेंट करने के लिए आपके पास एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज है जो फिर आपके पास एसिटाइलकोलाइन को डिस्ट्रॉय करता है ताकि मसल की रीएक्साइटेशन ना हो, ठीक है, ये आपको इधर पता होना चाहिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है एंड प्लेट पोटेंशियल एंड एक्साइटेशन ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर, आपको बता चुकी हूँ वही जो एंड प्लेट पोटेंशियल है वही आपके पास एक्शन पोटेंशियल आगे जनरेट करता है, ठीक है, ये वही सारा लिखा है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, द प्रिंसिपल ऑफ एन एंड प्लेट पोटेंशियल इज टू जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल, ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको। बाद आपको बताया हुआ कि इस डायग्राम का बताया हुआ है, इसमें ये बताया हुआ है कि आपके पास तीन जो है एंड प्लेट पोटेंशियल्स हैं, ठीक है, मगर दो जो है ए और सी ये वीक है, इनकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ, जो बी है वो स्ट्रांग है तो उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। उसके बाद आगे उन्होंने बताया हुआ है कि ए जो है उस पर क्यों नहीं जनरेट हुआ और जो सी है उस पर क्यों नहीं जनरेट हुआ, ए पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उधर जो है एंड प्लेट पोटेंशियल की वीकनेस हुई हुई थी पॉइजनिंग विद क्यूरेर की वजह से, ठीक है, और सी पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उधर बोटुलिनम टॉक्सिन जो है उसकी वजह से एंड प्लेट पोटेंशियल की वीकनेस हुई हुई थी, ठीक है। क्यूरेर आप ये लिख लो, आपको इनका पता होना चाहिए ड्रग्स का, ठीक है, क्योंकि ये एंड प्लेट पोटेंशियल की वीकनेस कॉज करवाते हैं जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। अच्छा जी, क्यूरेर जो होता है इट इज अ ड्रग दैट ब्लॉक्स द गेटिंग एक्शन ऑफ द एसिटाइलकोलाइन ऑन एसिटाइलकोलाइन चैनल्स, ठीक है, ये क्यूरेर का फंक्शन है। और बोटुलिनम टॉक्सिन जो है ये बैक्टीरियल पॉइजन है, डिक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ एसिटाइलकोलाइन रिलीज्ड बाय द नर्व टर्मिनल्स, ठीक है, जो क्यूरेर है उसने ब्लॉक करना है गेटिंग एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलाइन ऑन एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर्स, ठीक है, एसिटाइलकोलाइन के रिसेप्टर्स ओपन नहीं करने देगा, तो इसलिए आपके पास एंड प्लेट जो एंड प्लेट पोटेंशियल है वो आपके पास जनरेट नहीं होगा। बोटुलिनम टॉक्सिन जो है उसने जो है एसिटाइलकोलाइन की जो क्वांटिटी है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में उसी को ही डिक्रीज कर देना है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपके पास एंड प्लेट पोटेंशियल जो है वो बहुत वीक क्रिएट होगा, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। अब सेफ्टी फैक्टर फॉर ट्रांसमिशन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन फटीग ऑफ द जंक्शन, आपने एक दफा पढ़ लेना है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक आपने बस रीड करना है, इधर एज सच इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको बस एक रीड दे देनी है, इसमें से आपके पास कोई एमसीक्यू एसीक्यू नहीं आने लगा। उसके बाद आपके पास है ड्रग्स दैट एनहेंस और ब्लॉक ट्रांसमिशन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ड्रग्स आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, इधर आपके पास जो ड्रग्स हैं जो स्टिमुलेट करते हैं मसल फाइबर को, ठीक है, उनको आपने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक वो है जो एसिटाइलकोलाइन का एक्शन रेप्लिकेट करते हैं, एसिटाइलकोलाइन की तरह एक्ट करते हैं, और दूसरे वो है जो एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो एसिटाइलकोलाइन का एक्शन रेप्लिकेट करते हैं वो है आपके पास कार्बोकोल, निकोटीन और मिथाकोलाइन, ठीक है, तो ये एसिटाइलकोलाइन की तरह एक्ट करेंगे, मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद करने वाला है वो है कि एसिटाइलकोलाइन को एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज डिस्ट्रॉय कर देता था, निकोटीन, कार्बोकोल वगैरह जो है मेथाकोलाइन इनको एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसकी वजह से मसल स्पैज़म हो सकता है। ये आपके पास वो ड्रग्स हैं जो एसिटाइलकोलाइन को तरह एक्ट करते हैं, और दूसरे ड्रग्स जो एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज को ही बंद कर देते हैं, ठीक है, उसको ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि आपके पास जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है उसमें एसिटाइलकोलाइन जो है वो ज़्यादा देर तक रहे, ठीक है। इन ड्रग्स में आ जाता है नियोस्टिग्मीन, फाइसोस्टिग्मीन, प्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, ये तीन आपको ड्रग पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपके पास इधर लिखा हुआ है। उसके बाद आपको बताया हुआ है कि जो ब्लॉक करते हैं, ठीक है, ब्लॉक ट्रांसमिशन जो करते हैं एट द नर्व न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उनमें आपके पास आ जाते हैं क्यूरेरीफॉर्म ड्रग्स, ये आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है इधर आपको पता चल गया कि आपके पास ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स को डिवाइड किया है जो स्टिमुलेट करते हैं आपके पास न्यूरो
मस्कुलर जंक्शन को और जो इनहिबिट करते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को, जो स्टिमुलेट करता है उनको अगर से दो में डिवाइड किया है, वो जो एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को रेप्लीकेट करें, वो जो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को डिस्ट्रॉय कर दें, ठीक है, और जो ब्लॉक करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, ठीक है, ट्रांसमिशन, उसको उसमें आपके पास क्यूरेरीफॉर्म ड्रग्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आया मायस्थीनिया ग्रेविस कॉजेज मसल वीकनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पिछले चैप्टर में आपके पास रिगर मोर्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इधर मायस्थीनिया ग्रेविस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आपके पास हर जगह आ सकता है। आपके पास मायस्थीनिया ग्रेविस का मतलब क्या है? मायस्थीनिया ग्रेविस में दो चार चीज़ें याद करने वाली जो आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट है। एक ये पता होना चाहिए कि ऑटो इम्यून डिजीज है, और ये वो ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें आपके पास ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ठीक है, थीके? और ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये जो आपके पास क्या कहते हैं पोस्ट सैनेप्टिक जो आपके पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, ठीक है, पोस्ट सैनेप्टिक जो आपके पास है, यहाँ पे आपके पास जो होता है एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो हैं, इनको ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। जो एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो जब डिस्ट्रॉय हो गए आपके पास पोस्ट सैनेप्टिक लेफ्ट पे, तो ऑब्वियसली आपके पास मसल की डीपोलराइजेशन नहीं हो सकती, और ये आपके पास जो डिजीज है इसको आप कहते हो मायस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जो पोस्ट सैनेप्टिक लेफ्ट पे है उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो आपके पास मसल की डीपोलराइजेशन नहीं हो सकती। और दूसरा जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि न्यूस्टिग्मीन जो है वो है इसकी ट्रीटमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो, बस आपके लेवल पे इतना इम्पोर्टेंट है। अब मसल एक्शन पोटेंशियल, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक हो गया। यहाँ पे जो आपके पास पता होना चाहिए ड्यूरेशन आपके पास कितनी है और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन है 3 to 5 meters per second, ये जो दो आपके पास वैल्यूज है ये आपके पास पता होना चाहिए। और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है ये -80 to -90 millivolts है स्केलेटल मसल में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद है एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड टू द इंटीरियर ऑफ द मसल फाइबर बाय द वे ऑफ ट्रांसफर टिब्यूज, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जो आपके पास डीपोलराइजेशन होती है वो टी टिब्यूज में जाती है, और टी टिब्यूज से फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है, और ये कैल्शियम जो है ये फिर आपके पास आगे कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, ये वही चीज़ है जो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके पास ये है कि द टी टिब्यूज आर एक्चुअली इंटरनल एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और इन इंटरनल एक्सटेंशन जो है इनमें से आपके पास जो होता है डीपोलराइजेशन इनकी होती है, तो आपके पास जो है ये डीपोलराइजेशन फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाती है, वहाँ से कैल्शियम रिलीज होता है, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रही है, पिछले चैप्टर में भी आपको दिया हुआ था, इसको आपने गौर से पढ़ लेना है। उसके बाद रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन बाय द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वही है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है ऑब्वियसली, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम की स्टोरेज होती है, ठीक है, स्केलेटल मसल में। ये मैं आपको पिछले वाले लेक्चर्स में सारा समझा चुकी हूँ। अब ये जो पेज है इसमें आपके पास फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिगर 7, 5, 6 और 7, और ये जो आपके पास पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ने के बजाय अगर आप 7-6 की एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लो वो भी काफी है। इसमें 7-6 में यही लिखा हुआ है कि जब आपके पास एक्शन पोटेंशियल जो है वो टी टिब्यूल में गया है, ठीक है, टी टिब्यूल में एक्शन पोटेंशियल गया है, टी टिब्यूल की जो वॉल है उसमें आपके पास डीएचपी रिसेप्टर है, डाइहाइड्रोपायरिडिन रिसेप्टर्स, वो इस एक्शन पोटेंशियल को सेंस करेंगे और वो जो है आगे से कैल्शियम रिलीज चैनल जो है उनको ओपन करवा देते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम रिलीज चैनल या फिर आपके पास रेओनडीन रिसेप्टर्स भी आप इनको कहते हो, ये जब ओपन हो जाते हैं तो इनकी वजह से कैल्शियम रिलीज होता है और इस कैल्शियम की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये आप पढ़ लो, ये यहाँ पे यही लिखा है और यही इस पूरे इधर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। और इधर आपके पास कैलकेस्ट्रिन जो आपके पास प्रोटीन दी हुई है ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये जो दो रिसेप्टर्स हैं डीएचपी रिसेप्टर कैल्शियम रिलीज चैनल, ठीक है, इनका आपको पता होना चाहिए। और इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो भी खत्म हो जाता है।